जोर से। हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दामिश हाशमी, आप देख रहे हैं आलना मनाए प्रेजेंटेड बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। वर्ल्ड कप क्रिकेट का एक बेहतरीन और तारीखी मैच आज खेला गया, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और अपने हिसाब से एक अच्छा स्कोर दिया। 291 उन्होंने स्कोर किया 5 विकेटों के नुकसान पे। इब्राहिम जदरान ने सेंचुरी स्कोर की, 129 रन बनाए। हालांकि थोड़ी स्लो थी मगर एक अच्छी इनिंग्स थी। राशिद खान ने आखिर में आके 35 रन खड़े कर दिए 18 बॉलों पे। ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग आई तो पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती हुई नजर आईं, जब ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी विकेटें गिर चुकी। 7 विकेटों के बाद मैक्सवेल और कमिंस की लगी पार्टनरशिप और भाईजान बगैर टांग के खेल गया मैक्सवेल। इससे पहले क्रिकेट में बात की जाए, हमारे पैनल का इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट लेफ्ट आर्मर मोहम्मद आमिर। फिर यहां पे मौजूद है द ग्रेट ऑलराउंडर इमाद वसीम। और इन दोनों के दरमियान आज के मैच रेफरी अब्दुल रजा। रजी भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। मैक्सवेल के बारे में अगर एक लफ्ज कहना हो तो क्या होगा वो लफ्ज? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और वर्ल्ड कप का मैच, प्रेशर वाला बड़ा लफ्ज, और बड़ा लफ्ज, इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता। और हिस्ट्री में जिस तरह की उसने इनिंग्स खेल दी है, आउटस्टैंडिंग। पूरे तीन जुमलों का एक वर्ड बताया रजाक भाई ने। आमिर, एक वर्ड कहना हो मैक्सवेल के बारे में। इंपैक्ट प्लेयर का यही डिफरेंस है, वही है ऑस्ट्रेलिया में इंपैक्ट प्लेयर, इंपैक्टफुल की आज की इनिंग्स। इमार, एलियन, एलियन इनिंग्स थी आज की भाई। यार उसने आज बता दिया कि फुटवर्क इस्तेमाल टेबल टेनिस की तरह खेला है, ऐसे ऐसे झाड़ू फेरा है उसने। रजाक भाई, आपकी वो इनिंग्स याद आ गई साउथ अफ्रीका वाली, उससे बेहतर इनिंग्स थी जी। डेफिनेटली नहीं, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी है, बड़ी माननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का इसने खेला है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल हो सकता है 150 पे आउट हो जाए। बिल्कुल, और हमने सुना है कैचेस विन द मैचेस, और क्रिकेट ने बताया है कैचेस ऑलवेज विन द मैच। से छूटा उनसे नहीं, वो तो चलो पार्ट ऑफ द गेम है, पर ये बताया है, जितने भी यंगस्टर हैं उनको सीखना चाहिए। आप अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप अच्छे फील्डर नहीं है तो आप कभी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। मेरी नज़र में ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन इनिंग्स है बाय फार। ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री काफी पुरानी हिस्ट्री है ओडीआई की। ओडीआई क्रिकेट की मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन इनिंग्स है। अंडर प्रेशर, उनकी बॉलिंग लाइनअप, स्कोर, 7 विकेटें गिरी हुई और 200 रन करके खुद क्रैम्प्स पड़े हुए। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट, डेफिनेटली। अच्छा भाई, आज की इनिंग्स पे एक मीम है, दिखाओ मीम मिया। अंडरटेकर की तरह खेलता रहा वो लड़का, और क्या है, कुदरत का निजाम। और ग्लेन मैक्सवेल एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं जबकि अफगानिस्तान गम में। जीता हुआ मैच था ऑलमोस्ट, हम तो बिल्कुल समझ गए अफगानिस्तान के साथ। पता क्या हो गया, 2 दफा नसीम शाह, आज ग्लेन मैक्सवेल। नसीम मैक्सवेल के नाम से जोड़ी बन चुकी है। दिखाओ बेटा, इरफान पठान राइट नाउ। क्या पोजीशन है, चौथे नंबर का क्या होगा? देखिए, आज भी अगर कुछ होता है मुझे नहीं लगता ऐसा फर्क पड़ेगा। सिर्फ न्यूजीलैंड का मैच बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। अगर वो वॉश्ड आउट हो जाता है या न्यूजीलैंड हार जाती है तो हमें सिर्फ इंग्लैंड से जीतना है। और इंग्लैंड से हम जीत के क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो हमें बहुत बड़े मार्जिन जीतना है, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड हारती है या बारिश हो जाती है, क्योंकि प्रिडिक्शन है बारिश की, तो फिर पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड से जीतना है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आज की प्रिडिक्शन दिखाओ जरा। इमाद और मैंने कहा अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट हम जीत गए थे, मगर रजाक भाई और आमिर ने कहा ऑस्ट्रेलिया। एक्सपीरियंस, यू नो, दूर की सोच, टोटल कुदरत का निजाम, दूर की सोच रही थी। नहीं नहीं नहीं, जब 81/7 थे तो मैं प्रेडिक्शन किया था, ट्रीटमेंट करवा रहा था, तो लड़के को मैंने कहा, वो कहता नहीं मैच तो खत्म हो गया, ये तो 100 के अंदर फारक। मैंने कहा जब तक मैक्सवेल खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं हारा, ये आधे घंटे में देखना, आधे घंटे के बाद ये पता नहीं क्या कर देगा, वो 2 ओवर लगाता है हमेशा, वो अक्सर ऐसे ही करता है। आपने ये कहना था मैक्सवेल जब तक है ऑस्ट्रेलिया नहीं हार सकता, मुजीब जब तक अफगानिस्तान की फील्डिंग में है तब तक मैच नहीं जीत सकता, आउट नहीं हो सकता। लेकिन मैं नहीं जीत सकते वो। लेकिन मैक्सवेल की जो इनिंग्स की क्रेडिट देना चाहिए ना, जो कितना काम रहा, एक बाउंड्री लगाई, दो बाउंड्री लगाई, फिर वो रोक ले,
सिंगल ले ले या पैट कमिंस का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक अफगानिस्तान जब अंडर प्रेशर आया, यही कहते हैं ना यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है, आम आता है। अब कुछ लोग स्टैट्स वाले जी वो बाहर वीडियोस बना के बैठा हुआ है, कोच ये रखा हुआ है, असिस्टेंट कोच ये रखा हुआ है। अब एक बंदे को कॉमन सेंस है, पता है कि क्रैम्स आ रहे हैं, वो मूव नहीं कर पा रहा, आप फिर उसको उधर बॉलिंग कर रहे हैं। अगर प्लेयर अंडर सम टाइम मैं एज अ बॉलर मुझे भी मार पड़ रही हो, मुझे नहीं समझ आती, प्रेशर में नहीं आती समझ, दो तीन प्लेयर्स आ जाते हैं एक्सपीरियंस, या बाहर से मैसेज भेज दो कि भाई उससे नहीं हिला जा रहा, उसकी बॉडी से बाहर चले जाओ। हाँ। वो यहीं से खा रहे थे। हाँ, खाते रहे, वही तो कराते रहे। ये भी एक आप कह सकते हैं बैड बॉलिंग थी और इनएक्सपीरियंस। अभी जो आपने बात की ना कमेंट से ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की, अब देखें वहां पे मैक्सवेल उसको गाइड कर रहा था। ये होती है टीम स्पिरिट, क्योंकि आप ये ना कहें कि जी मैं कैप्टन हूं तो मुझे कोई गाइड नहीं कर सकता। मैक्सवेल कह रहा था सिंगल लेनी है, ऐसा कौन कहता है, कौन सा? देखें बात यह है कि हमारे दिमाग पे कप्तानी चढ़ जाती है, अगर हमारे कप्तान को ऐसी कोई बात की जाए तो हो सकता है वो प्लेयर नजर ही ना आ गए टीम में। तो मैक्सवेल जो है ना वो उसको गाइड कर रहा था कि आप उधर खड़े रहो, सिंगल लेनी नहीं लेनी आना है, वो कोशिश कर रहा था, पर सारी गाइडनेस मैक्सवेल की। ठीक, वक्त आ चुका है आस्क एचएमएच का, देखते हैं कि हमारे पास ट्वीट क्या क्या ट्वीट्स हैं। आस्क एचएमएच में पहला सवाल कासिम बाबू लिखते हैं कि वन लेग शो फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल, सोचो अगर दोनों टांगों से खेलता तो कैसा मारता, इसके आगे और क्या मारता, वो इतना मारा इससे ज्यादा क्या मारता बेचारा। अगला क्या है भाई, फरीद रशीद खान कहते हैं क्वेश्चन इज फॉर ऑल द क्रिकेटर्स, जैसे मैक्सवेल ने शानदार इनिंग्स खेली है, क्या ये बेन स्टोक्स 2019 एशेज की इनिंग्स से अच्छी है? हाँ जी जी, उससे भी अच्छी, बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो इनिंग्स थी ना, इस जैसी इनिंग्स हिस्ट्री में नहीं खेल पाएगा कोई, खेल सकते हैं रिकॉर्ड टूटते हैं लेकिन आज तक नहीं, मेरी नजर में नहीं देखी। मुझे लगता है बेन स्टोक की ज्यादा बड़ी मैच विनिंग 201 रन बनाना बड़ी बात है, वो टेस्ट मैच था ये वनडे था, लेकिन आखिरी विकेट थी ना, ये भी देखें ना आप, कंपेरेबल नहीं है, पता नहीं कितने 100 करके नॉट हो गया था। क्रिकेट में ऐसा होता है कि क्रिकेट में जैसे बड़े नाम गुजरे हैं तेंदुलकर जी जी, मैथ्यू हेडन, जसप्रीत, सहवाग, ये हमें इंस्ट्रक्शन ये होती थी इसका कैच नहीं छोड़ना, इनका कैच छोड़ा तो मैच आपका वहीं पर, और हमने कई बार छोड़े इनके। जी जी, ऐसे ही होता है ना, मैं बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शन ये होती थी। इंस्ट्रक्शंस का फायदा क्या जब कोई फायदा नहीं था? बात ये है कि अब मैक्सवेल का भी यही ना, इसे कैच छोड़ोगे तो मैच आप कैसे जीत सकते हैं? रजाक भाई ऐसी इंस्ट्रक्शन, आप मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट खेलने जा रही है कोई टीम उधर रही है तो ये इंस्ट्रक्शन फजूल से ही लगती, कैच मत छोड़ना, मत ही छोड़ना भाई। नहीं, बात ये है कि कैचेस विन द मैच तो है ना, ये तो ये आप कैच छोड़ते रहेंगे, एक दो कैच छोड़ते कभी मैच जीत सकते कभी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ी इनिंग्स थी एशेज, क्योंकि नो डाउट बहुत बड़ा कंपटीशन हाँ। होता है, लेकिन वर्ल्ड कप से बड़ा नहीं है। सही बात, वर्ल्ड कप और इस सिचुएशन में और क्वार्टर सेमीफाइनल इसमें ये ना डिफरेंस ही आता है, इसमें आपके फील्डर 5 अंदर थे हाँ। उसमें उसने सारे बाउंड्री पे रखे हुए, तो एक विकेट थी और पांचवा दिन था, इतना इतना टर्न हो रहा था, रिवर्स हो रहा था, वो मुश्किल था, दोनों इनिंग्स अपनी अपनी जगह कमा लेने, वो डिफरेंट था। पर रजाक भाई की जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी वो अलग लीग है, उसके बाद yes, बात नहीं उसकी भी एक, और उस टाइम के बॉलर्स देखे जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हल्के बॉलर्स हैं, क्या रखे बॉलर्स हैं, हाँ जी, इनको आजकल मीम आ रही है करने का। अगला देखो बेटा, मेरा तीनों क्रिकेटर से सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में ये क्यों होता है, अच्छे प्लेयर को चंद मैचेस खिलाकर इसको गायब कर दिया जाता है, जैसे हारिस सोहेल एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इसको चंद मैचेस खिलाकर गायब कर दिया, हालांकि वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, अच्छे प्लेयर को खिलाते क्यों नहीं, इंजर्ड नहीं हो गए थे हारिस? इंजर्ड हो गया था आई थिंक, उसका कमबैक हुआ था, फिर से हुआ था, और वो मेरे ख्याल से घुटना था या बैक थी, फिर हो गई थी, सर पे बॉल लगा था, नहीं नहीं अभी फिर हुआ था इसका, फिर इंजरी हो गई थी, फिर इंजरी हो गई। इस तरह की बहुत सारी अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है, बहुत बड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर में, और अभी भी खेल रहा है, अल्लाह करे परफॉर्म अभी भी करे तो फिर आ जाए। अगला क्या है भाई, अगला देखो, जोहेब रंजानी कहते हैं आमिर भाई सवाल है कि आपका पसंदीदा कप्तान कौन है, ओवरऑल बात करें या पाकिस्तान में, आप दोनों बता देना। ओवरऑल मेरा था पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग, यस, और पाकिस्तान में सैफी भाई, सरफराज, वेरी गुड। अगला लिखा है, व्हाट अ रिमाइंडर, ग्लेन मैक्सवेल अगेंस्ट अफगानिस्तान इन 2023 हैज रिमाइंडेड अस ऑफ द ग्रेट अब्दुल रजाक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2010। क्वेश्चन सर रजाक से कि क्या आप आज की मैक्सवेल की इनिंग्स अपनी इनिंग्स से ज्यादा रेट करेंगे? ये डेफिनेटली मेरी इनिंग्स से बड़ी इनिंग्स है, और वर्ल्ड कप, ऊपर से प्रेशर, और 7 विकेटें गिर गई हों, और ऐसी कंडीशन में, और अगेंस्ट अफगानिस्तान जहां के टॉप स्पिनर्स हैं, और इसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, मेरे से भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स है, और
जो चीज है वो सच है। अभी आप बैक स्टेज कह रहे थे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मेरे पास ज्यादा प्रेशर था, एक विकेट रह गई थी, इतने रन चाहिए थे, मैंने खेला। देखे ना फिर वो बात को कंपेयर नहीं करना चाहिए, जब जिस सिचुएशन में ये बैटिंग कर रहे थे उस टाइम मुश्किल था, फील्डर्स बाहर थे, 5 फील्डर वाला रूल्स नहीं था, एक बॉल था और रिवर्स हो रहा था और वो यॉर्कर अच्छी कर रहे थे, उनकी टॉप क्लास की फास्ट बॉलिंग थी, तो आई थिंक हर चीज का एक अपना टाइम होता है, वो अपने टाइम पे टीम भी बहुत बड़ी थी, ऐसा नहीं अफगानिस्तान था। अभी मुझे बताएं आपके अंदर कितने ताबिश हैं, मुझे बता रजाक भाई, मैं तो आपको पता छिड़ाछिड़ी करूंगा आप, मजा आता है। लेकिन हैंडसम आप ही लग रहे हो, मैक्सवेल भले 200 करता रहे, आप बहुत प्यारे लग रहे हो रजाक भाई। अगला देखो बेटा, पाकिस्तान को बाहर करने से पहले मेरी लाश से गुजरना हो। वक्त आ चुका है कि हमारे स्टूडियो में जो ऑडियंस बैठी है उससे बात की जाए। किसके पास है पहला सवाल? मैं माइक भी होगा इसके साथ, करीब थोड़ा रखना पड़ेगा भाई, करीब, बहुत करीब रखना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मैम? मेरा नाम अदीबा सुल्ताना है मैम। सवाल, पहला सवाल उमर से, बेटे से करूंगी। मुझे आप ये बताएं कि जब भी हम मैच खेलने जाते हैं, मैच खेलने जाते हैं, उसमें हमारा ज्यादा जोर अगर मगर पर होता है, अगर ऐसा करते तो ऐसा ना होता, मगर ऐसा हो गया, वाई इस अगर मगर से हमारी जान कब छूटेगी? अगर और मगर, रिजी भाई बताएंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कही। रजाक भाई आप लोगों ने चला आ रहा है अगर मगर को, नई बात नहीं है। देखिए हमारी पाकिस्तान जो क्रिकेट है ना, हमेशा नेचुरली परफॉर्म करती है, और जब नेचुरली परफॉर्म करती है क्रेडिट हम प्लेयर ले जाते हैं, तो वहाँ पे आगे पीछे हो जाता है काम। फिर कुदरत अपना निज़ाम दिखाती है, हम प्लेयरों के साथ ज्यादती करते हैं, हम जो डिजर्विंग प्लेयर है वो बाहर होते हैं, जो नहीं होते वो टीम में होते हैं। फिर ये तो हो गया, फिर 11 की सिलेक्शन में हमें प्रॉब्लम आती है, जो डिजर्विंग होते हैं वो भी 11 में भी नहीं खेलते। फिर हमें जब नेचर दिखाती है कि आपको ये करना पड़ेगा, जैसे अभी साउथ अफ्रीका से मैच हारे, अफगानिस्तान से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, तो फिर हमें फख्र की याद आई कि उसको खिलाना है हमें। बिल्कुल, तो ये चीजें हम ऐसे लेके थे, इसलिए अगर मगर हमारा चलता रहना ये मान। बहुत अच्छी बात किया रजाक भाई, मैं वेरी मच, अच्छी बात है, 50 पॉइंट, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, 50। हां भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है भाई साहब? असदुल्लाह खान। असदुल्लाह खान, गालिब क्यों नहीं रखा साथ? गालिब भी कहते हैं, गालिब भी कहते हैं जी, कहते हैं गालिब, कहते हैं। असदुल्लाह क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूं सर। माशाल्लाह, ये बड़ी बात है, कोई बात। मेरा रजाक साहब से सवाल है, आने वाले खिलाड़ियों को आप क्या मशवरा देंगे, क्या रिटायरमेंट से पहले शादी करें या बाद में? बेटा कितने आने वाले, जो अभी पैदा हो रहे हैं या जो आ चुके हैं, किन की बात है? जितने भी हैं रजाक भाई, जो अभी नौ मौलूद क्रिकेटर्स हैं, नौजायदा। शादी, देखिए शादी एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है, और आप अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप अपनी, नहीं नहीं बात सुने यार, बात तो सुने, बात तो यार, जवाब देने दे यार, वो सवाल पूछे क्रिकेटर को शादी कब करनी चाहिए, जवाब देने दे उनको। तो वो ये कि नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए, और शादी कर रहा है वरना शादी क्यों करेगा बंदा, सिंसियर होना चाहिए, फिर जाके शादी का फायदा होता है। अगर आप शादी के बाद भी वैसे के वैसे ही रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं शादी। ठीक है भाई जान, आपने क्यों पूछा रजाक भाई से, वो काजी है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कौन, क्या नाम है भाई? साहिल। साहिल क्या ना, क्या करते हैं साहिल? 10th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ। 10th ग्रेड के स्टूडेंट साहिल, आई मास भाई से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच जो है वो डू और डाई वाला मैच है, तो पाकिस्तान को पाकिस्तानी टीम में चेंजिंग करनी चाहिए कि उसी टीम को लेके आगे खेलना चाहिए? मेरे से पर्सनली पूछे तो एक रेगुलर स्पिनर खिलाना चाहिए, चाहे अबरार हो, चाहे उसामा हो, चाहे शदाब हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम स्पिनर शॉर्ट थे, तो वो चेंजेस हमें करनी चाहिए, बाकी आई थिंक सेम टीम ही रखनी चाहिए। सेम टीम, ठीक है। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मैमूना शवाल। मैमूना जवाल, मेरा तीनों से यही सवाल है कि न्यूजीलैंड के मैच के लिए पूरी कौम ना दुआ कर रही है कि बारिश हो जाए, क्या क्रिकेटर भी ऐसी दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए? भाई आप लोग ये दुआएं करते हैं कभी? हाँ करते हैं, क्यों नहीं? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये नहीं करते क्रिकेटर, दुआएं करते हैं टॉस होने के बाद बारिश हो जाए तो फिर दुआएं करते हैं, मैच फीस मिल जाती है, मैच फीस मिल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, टॉस ना हो तो मैच फीस नहीं मिलती? नहीं नहीं, अरे यार नहीं, लेकिन दुआएं करते हैं और करनी चाहिए। हमारा ये, हम लोग नौकरी पेशा थे, जब तो नौकरी पे जा रहे हैं और पता चला भाई आज हड़ताल हो गई या बारिश, ऑफिस बंद है, तो हम लोग तो बड़ी खुशी करते थे कि भाई यार ऑफिस बंद है, ये डांस कर रहे हैं। आप लोगों का जब मैच वैच खत्म हो जाता है तो आप लोग खुश होते हैं, कहते हैं भाई यार ये क्या हो गया ये वो? दुबई में अगर हो तो खुश हो जाते हैं। अब पता है खाने के लिए बाहर शॉपिंग के लिए निकल डिपेंड करता है कि अगर जैसे न्यूजीलैंड का मैच और की बारिश है तो हम खुश होंगे, और हमारा मैच बारिश हो जाए और हम
क्वालीफाई कर जाए तो हम खुश होंगे। हाँ ये तो है, फिर एंजॉय करते हैं ना, पूरा एंजॉय छम छम करते हैं बारिश। रजाक भाई आप बारिश में खेलते हैं क्या? आपको बारिश पसंद है? बारिश पसंद है, पसंद है आपको? गीले होते हैं बाहर जाके? गर्मियों में। गर्मियों में? सर्दियों में नहीं। अगला, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पर भाई थोड़ा ऐसा कर लें करीब। वालेकुम सलाम, इकबाल सादिक मेरा नाम है। क्या नाम है सर? इकबाल सादिक। इकबाल सादिक, क्या करते हैं इकबाल भाई? मैं सीएसएस एस्पायरेंट हूं, फिलहाल तैयारी कर रहा हूं जो 24 के अंदर एग्जाम होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक सर, इंशाल्लाह कामयाब होगे, मुल्क में बेहतर काम कीजिएगा इंशाल्लाह। सवाल पूछे मोहम्मद आमिर से मेरा सवाल है और ये सवाल लिंक करता है ये मां जी से जो उन्होंने सवाल पूछा था अगर मगर का। अगर आमिर भाई से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये टीम के अंदर इस वक्त मौजूद होते तो शायद हम अगर मगर की सिचुएशन में ना होते। क्वेश्चन मेरा इनसे ये है, अब क्वेश्चन मेरा आमिर भाई से ये है कि जब आप किसी नेशन के लिए खेल रहे होते हैं, किसी मुल्क के लिए, आपकी ईगो, आपका गुस्सा वो आपका नहीं रहता बल्कि वो नेशन का बन जाता है। ठीक बात। तो आप चूंकि एक बहुत बड़ा असासा थे हमारी इस नेशन का, आपने जिन भी हालात के अंदर रिज़ाइन किया उससे पहले भी आपको बताया जब आप वापस आए थे तो इस कौम की स्पोर्ट्स से आप वापस आए थे, लेकिन पेज रिजाइन कर दिया है। ये सवाल है कि वो पेज पढ़ रहे हैं आप? सर बस सवाल आ गया मेरा, लंबा सवाल है, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। सर ये एक्चुअली अमर भाई ने बिल्कुल सही कहा, ये हमारी फीलिंग्स भी है और क्वेश्चन भी है कि आपके रिजाइन करने के बाद अब तक हम ये कीमत भुगत रहे हैं अगर मगर में जा रहे हैं। अगर अब तक आप इस टीम के अंदर होते तो यकीनन हम सेमीफाइनल होते, लास्ट वन। बात ये है कि आपने तो जिन हालात में रिजाइन किया सो किया, अब अगर कोई आपके बाद आपके लेवल का बॉलर आता है। अब मानना पड़ गया आपको, मान लिया। जी राज भाई, मेरे क्वेश्चन का क्रिस ही आ गया है। अभी थोड़ा, अभी और आमिर भाई के लेवल का अब अगर कोई बॉलर आता है, सिचुएशन उनके साथ वही क्रिएट हो जाती है तो मेरे ख्याल उसको रिजाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको इस सिचुएशन निपटने के लिए क्या इकदाम उस वक्त करने चाहिए कि वो रिजाइन ना करे बल्कि सिस्टम के अंदर रहे, कौम के लिए खेलता रहे। देखिए यार, आपके सिस्टम को जो है ना वो बेहतर होना पड़ता है। जब तक, मैंने कल भी कहा था प्रोग्राम में कि प्लेयर और सिस्टम की कम्युनिकेशन गैप रहेगी, ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी। ठीक है, वो आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले टीम मैचेस आ रही है तो बाबर और सिस्टम की बातें बाहर आना शुरू हो गई। हाँ ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आता है तो इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं तो इसका स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, कप्तान, आपका जो सिस्टम है और जो प्लेयर है उनका हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और मेंटल इशू भी हो सकता है प्लेयर को, अगर वो मेंटली उस जगह पे नहीं है तो वो परफॉर्म भी नहीं कर सकता उस जगह। yeah. तो मेंटल इशू, ये बैरियर जो होता है ना बिटवीन द क्रिकेट बोर्ड एंड द प्लेयर्स, वो आपको मेंटली जो है ना बहुत सिक कर देता है, तो आप परफॉर्म भी नहीं कर सकते। जब तक प्लेयर भी मेंटली रिलैक्स नहीं होगा ना इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू भाई। अगला, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? आबिद खान। अमित भाई क्या सवाल लाए? मेरा सवाल तीनों लेजेंड से है, क्या जो पाकिस्तान के टीम में स्पिनर है मोहम्मद नवाज और उसामा मीर और शादाब खान, क्या ये बेटर है इब्रार अहमद से? कहाँ से? इब्रार अहमद। शादाब अब्रार से बेहतर है। देखिए जो अब्रार है वो मिस्ट्री स्पिनर में आता है और उसका एक नेचुरली बॉल है जो विकेट टेकिंग डिलीवरी करता है, ये अपनी पोटेंशियल के हिसाब से डिफरेंट बॉलर हैं, पर अब्रार इज डिफरेंट बॉलर है, इसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। हो सकता है अब्रार बेटर हो पर उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वनडे में ना। ठीक है, दिखाने का मौका नहीं मिला इतना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज जैनुल आबिदीन। हाफिज जैनुल आबिदीन, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ प्री मेडिकल। किसी को बताया तो नहीं आपने? आपको तो बता रहा हूँ। सवाल मेरा सवाल अब्दुल रजाक भाई से, आप थोड़े सीनियर हैं इसलिए आपसे ये सवाल है कि आमिर भाई और इमाद भाई दोनों में से बेटर कौन है, किसको इस वक्त वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए था? देखिए बात यह है कि हमारी जो ना अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है पीसीबी की और प्लेयर्स की। अगर आप इंसाफ करते हैं दोनों को टीम में होना चाहिए था, पर जब इनको टीम से बाहर निकाला गया उस वक्त फिर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी बनी, उस वक्त नहीं बननी चाहिए थी। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती, प्लेयर को बुलाते, रिस्पेक्ट देते तो आज ये पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते हैं। और माँ तो डेफिनेटली, ये तो इनको तो ड्रॉप करना बिल्कुल ही समय से बाहर। ठीक है ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? शिराज अहमद। शिराज भाई आप क्या करते रहते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। ओब्वियसली स्टडी करते रहते हैं आप, वेरी गुड, बड़ी बात है, बहुत कम लोग कर रहे हैं दुनिया में। सवाल मेरा क्वेश्चन आप चारों से है, जैसे कि पता है कि इंडिया फाइनल में, सब यही कह रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया फाइनल में होगा,
तो एज कम्पेयर कोई टीम कोई भी चाहे पाकिस्तान चाहे कोई भी टीम इंडिया के लिए इंडिया में फाइनल पे आती है खेलने के लिए तो जैसे कि सारी फेवर्स इंडिया इंडियन प्लेयर्स को ही मिल रही है सारे इस तरह से देख रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि इंडिया ही इंडिया के अलावा भी कोई वर्ल्ड कप जीतेगा भाई फेवर मेरी नज़र में नहीं फेवर्स ऐसे नहीं मिल रही फेवर नहीं मिल रही भाई छोटा मोटा इक्का दुक्का है जो हमें होता है लेकिन इस तरह फेवर नहीं वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं के इंडिया को ही फेवर मिल रही होती है नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लगता है देखें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टीमों को भी मिली है फेवर किसी के DRS का मसला है कभी आ रहा है अच्छा नहीं आ रहा एज अ टीम इंडिया सबसे बेहतर खेल रही है वर्ल्ड कप में सबसे बेहतर इंडिया खेल रही है और अभी जो आज ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है ना आई थिंक मुझे लगता है फेवरेट फाइनल इन दोनों का फेवरेट ऑस्ट्रेलिया हो चुकी है और मेरी भाई ये इतना बड़ी हारी हुई सोच होती है अगर हम जीत रहे होते वर्ल्ड कप में अनबीटन होते और कोई ये कह रहा हो तो हमें बड़ा गुस्सा आता ठीक है इस तरह जैसे हम क्लास में 25 बच्चे पढ़ते होते हैं जो फर्स्ट आता है उसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं टीचर का बच्चा है इसलिए फर्स्ट आ गया ठीक है ये हारी भी सोचे मियां अपनी काम अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम अस्सलाम क्या क्या है भाई मोहम्मद फैजान फैसल भाई आप क्या करते हैं सॉरी फैजान यार उसको बुला ही करता हूं आप भी यही काम करते हैं हां जी चलो करो बात करो मेरा सवाल रजाक भाई से वो ये है कि जैसे आज मैक्सवेल ने इनिंग्स कम्पीट की जैसे आप पाकिस्तानी टीम में होते हैं तो फिर आप भी वैसे ही कम्पीट करते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में करंट कोई ऐसा प्लेयर होगा जो वैसे ही इनिंग्स कम्पीट करे डेफिनेटली पाकिस्तान में भी फ़ख्र है उसके बाद इफ्तिखार है जी जी ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि जो खड़े रह के भी छक्का मार सकते हैं तो ये एबिलिटी होती है तो ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि जो ऐसी इनिंग्स खेल सकते हैं फिनिशर्स हैं फिनिशर्स अगला भाई कौन है जल्दी अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड बेटा अस्सलाम वालेकुम क्या नाम वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद यूसुफ यूसुफ भाई क्या करते हैं मैं स्टडी यार आप लोग बता दें ऐसा क्या पढ़ लो जो बता नहीं सकते क्या स्टडी करते हो बिजनेस बताने वाली चीज है बताओ बिजनेस स्टडी करो स्टडी सवाल पूछो यार मेरा सवाल आप सबसे है लॉजिकली एक क्वेश्चन है सबसे मतलब क्राउड भी जवाब देगा नहीं आप चारों से काफ़ी सारे क्रिकेटर्स होते हैं जो कि क्रिकेट छोड़ने के बाद बिजनेस करते हैं क्यों क्या वो क्रिकेट जो ज्वाइन करने से पहले बिजनेस नहीं कर सकते थे अच्छा क्या भाई बहुत सारे बगैर छोड़े भी करते खेलने के बाद पैसे आप स्टडी बिजनेस से पहले नहीं कर सकते थे नहीं अच्छा कर तो रहा स्टडी और कह रहा नहीं तो हो गया क्रिकेट जो एक सेपरेट आपका जॉब है हमारी एक जॉब भी है जॉब अभी तो है लेकिन एक जॉब है Yes. और जब क्रिकेट आप छोड़ते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं क्योंकि आपके पास इनकम होती है और पैसे होते हैं तो फिर आप बिजनेस की तरफ आते हैं वाइल प्लेइंग क्रिकेट बिजनेस की तरफ इसलिए भी नहीं आते क्योंकि आप एक चीज पे फोकस करें तो 24 आवर जॉब है आप लोग 40-42 साल की उम्र में रिटायर भी हो जाते हैं उसके आगे भी काफी जिंदगी पड़ी है वो भी चलानी है ना भाई रजाक भाई आप क्या बिजनेस करते हैं ये सबसे रिस्की कुछ नहीं वो है स्पोर्ट्स जो है कोई पता नहीं आप पांड्या को देख लो एक बॉल पे बेचारा इंजर्ड हो गया टूर्नामेंट से बाहर हो गया ये इतना रिस्की स्पोर्ट है अच्छा पांड्या को पैसे वैसे मिल रहे होंगे मैच से अब वो इंजर्ड होके बाहर गए नहीं जब तक वो बाहर है नहीं नहीं अरे यार तो बड़ा महंगा ये इंश्योर्ड होते हैं इंश्योर्ड तो होते हैं मैच फी वगैरह नहीं ये इंश्योर्ड होते हैं अगर जब तक आप 15 का हिस्सा होते हो अच्छा मैच फीस 15 लड़कों को नहीं मिलती अवेलेबल होते हो मिलती प्लेइंग 11 के लिए तब मिलती अच्छा लेकिन हर 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 बोर्ड का अपना है क्या पता उसे मिलती हो कंपनसेट कर दिया ठीक है भाई थैंक यू बहुत प्यारी ऑडियंस है खवातीन हज़रात वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का लीजिए वापस आइए हारना मना कहीं नहीं जाएगा तालाली मिला बड़ा जोर से बजाया करो यार बहुत आला हाजिर आजा वेलकम बैक टू आना मना प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुलाम अहमद एंड सनसिल्क प्यारे प्यारे क्रिकेटर्स के साथ अच्छी अच्छी ऑडियंस सबसे पहले इनके नाम पूछूंगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आप अंसा अंसा क्या करती है अंसा मैं स्टडी कर रही हूँ आप भी यही काम क्या आप बताते क्यों नहीं है स्टडी क्या मैं गायनेकोलॉजिस्ट का माशाल्लाह वेरी गुड डॉक्टर बन रहे हैं इमाद के साथ ही क्यों खड़ी हुई मुझे पसंद है इसलिए आपको ये पसंद है रजाक भाई भी मौजूद है बट अपनी चॉइस है ना अपनी चॉइस वो भी अपनी जगह आपकी बेहतर है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है भाई ये पूछना जरूरी है रजाक भाई ऐसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई क्या नाम है आसिफ इकबाल आसिफ भाई आप क्या करते हैं सर मैं बीएससी इंग्लिश का स्टूडेंट हूं वेरी नाइस रजाक भाई ही क्यों सर रजाक भाई मुझे पहले से पसंद है मतलब बचपन से पसंद है रजाक भाई के बचपन से जी सर एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं खुद ऑलराउंडर हूँ तो इस वजह से मुझे अरे भाई हर ऑलराउंडर का बेंच मार्क है भाई रजाक भाई अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम सलाम आप तो अभी यहाँ पे थे लंबे इधर आ गए एस्पिरेंट आमिर से पसंद है आपको अल्हम्दुलिल्लाह जी एग्जैक्टली ही इज माय फेवरेट बॉलर
कब खेला जाए इसके अंदर मुख्तलिफ राउंड होंगे। पहला राउंड जो है वो एस्टिमेटेड आंसर का राउंड है, 360 डिग्री इसका नाम है। आपने अंदाजे बताने हैं अपने, जिसका अंदाजा सबसे करीब होगा वो जीत जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला सवाल आज तक टोटल दिखाओ बेटा, सवाल पहला अब तक पीसीबी के कितने चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, अब तक कितने लोग चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं। रजाक भाई आपसे बनता है पहला, ले हाँ मुझसे कोई चूचा नहीं होगी आज, जो अभी पहला देगा वो अगला तीसरा देगा। जल्दी ठीक ठीक मैं देता हूँ, जल्दी दिया करें यार आप। तकरीबन कोई 55 76 साल में 55 पीसीबी के चेयरमैन। अच्छा हाँ जी भाई आमिर भाई 35 35। हाँ जी 34 बस हो गया भाई, 34 35 55। दिखाओ सही जवाब है 30 यार। इमाद वसीम खान दादा सबसे करेगा बेटा, तालियां दिल से बजाएगा, नियतों से बजाएगा। ये क्या है यार भैया, स्ट्रेटजी अपना मार्ग बताए ना अगले से आगे। आपको खुश होना चाहिए कि आपके कप्तान को स्ट्रेटजी बनानी आती है, कराची किंग से कप्तान है आपको। प्लीज नहीं मुझे नहीं मंजूरी है कप्तान। ठीक है अगला सवाल आज बड़ा स्क्रीन। F1 रेस में हाईएस्ट स्पीड का रिकॉर्ड क्या है? F1 ये तो तुझे पता होनी चाहिए, मैं तो देखता ही नहीं, फॉर्मूला 1 तो मैं देखता ही नहीं। रजाक भाई आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, मुझे कोई आईडिया नहीं। सूरत गाड़ियां हैं आपके पास, तरह तरह की गाड़ियां हैं। मैं अब तीसरा नंबर मेरा। अच्छा हाँ जी माद भाई 350। हाँ जी उधर ना 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 भाई उनका तीसरा मैंने पहला दिया 349। Just, स्पीड कर आप भी बता सकते हो अपना इकबाल साहब। 351 वाह वाह सही जवाब है 378 रजाक भाई प्लस 10 सही सवाल है। ये तो पहले बाहर गया नहीं सिर्फ मैं भाई, आप लोग तालियां सही से बजाओ, जोश से बजाओ, कमीजें उतार लो, यूं करो। चलो अगला क्या है, डेथ राउंड है, चार ऑप्शंस आएंगे, देखकर जवाब देना, जनरल नॉलेज के सवाल है। अर्जुन सीएसएस भाई आपसे एक्सपेक्ट करूंगा मैं जवाब सारे, ठीक है? इतना ज्यादा लेक्चर दिया ना। देखो भाई इन एनर्जी को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है? जूल्स। हाँ भाई कोई चैलेंज करेगा? कोई चैलेंज करेगा? जूल। बजर दबाना है फिर बताना है, अब हो चुका सही जवाब है जूल। वेल डन बॉय, बोलते भी नहीं है काम भी करते हैं। सही है, रजाक भाई आप में कितने जूल एनर्जी है? नहीं पता आपको? एक इंसान में कितने जूल एनर्जी होती है? एनर्जी कितने जूल होती है? नो आइडिया। होती तो है, हम खुद एनर्जी एनर्जी देते हैं एनर्जी को। अगला नहीं नहीं अगर हम पहले बजाते हैं। रजाक भाई काम में ध्यान, बोला जट के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली पाकिस्तान क्या क्या मौला जट के पास बिजनेस करने वाली दूसरी पाकिस्तानी फिल्म कौन सी है? पहले पहले हमने क्या आपने बताया? हाँ जी हाँ जी तो बजन दबाते क्यों हैं आप जब आपने उसके बाद? मैंने सेकंड दबाई है भाई, मैंने दबाई है सेकंड, इन्होंने दबाई है। दस दियो रजाक भाई है? पंजाब नहीं जाऊंगी। वो पंजाब नहीं आएगी तो आपका क्या होगा रजाक भाई? आप तो तना रहे, डाउट है पंजाब नहीं जाऊंगी। ट्रबल आप भी फिर नहीं है, जवानी फिर नहीं है। देखते हैं सही जवाब क्या है। जवानी फिर नहीं है प्लस 10 के बाद माइनस 10 है माइनस 10 तो कहां आ रहा है? नहीं कसम। अच्छा अगला जो सवाल पूछ रहा हूं वो जवाब सिर्फ ऑडियंस मेंबर देंगे, आप लोग बजरों पे उंगलियां रख लो। ऑडियंस मेंबर का हाथ रजाक भाई आप रखो, आता हो तो कोई हेल्प नहीं, ठीक है? बजाना बस दबा के। देखो अगला सवाल, डोमेस्टिक T20 मैच में किस खिलाड़ी ने तेज तरीन सेंचुरी बनाई है? आपने पाकिस्तानी डोमेस्टिक में तरजील, तरजील कोई चैलेंज कर रहा है? शाहिद अफरीदी। आप उसने शाहिद अफरीदी बोला, मैंने मैं दबा मैं बता रहा हूँ ना, खुशदिल शाह। भाई जान आपने वो जवाब दे दिया है जो ऑप्शन में नहीं। ये नहीं नहीं खुशदिल कह रहा है, खुशदिल कह रहा है। नहीं डोमेस्टिक के PSL डोमेस्टिक T20 मैच PSL आप लोग नहीं इंक्लूड है? आप लोग नहीं, PSL इंक्लूड है? आप नहीं देंगे? आप नहीं देंगे? मैं दोबारा चांस दे रहा हूँ, बजर दबा दो।
खुशदिल शाह आपने देना ही मैंने दबा दिया बता दिया बता खुशदिल शाह मैं 4 घंटे से कह रहा हूं पार्टिसिपेंट ने जवाब दे जवाब दे मेरे को इज्जत शाह मैंने बता दिया है ना ऐसे इसको चेंज करें दोबारा कर लें कोई दोबारा कैंसिल हो गया सवाल आप लोग एक चीज समझाना मुश्किल है शजीर कहां से आ गया भाई उसमें वो ऑप्शन में नहीं है मैंने बोला था सबसे पहले मैंने ही बोला खुशदिल शाह हमने बोला है उसने देना है ना ऑडियंस ही देना मैंने दबा के पहले बोल दिया भाई कैंसिल हो गया मैं परेशान हो गया उन बच्चों से तो सजीद तो है ही नहीं अगला फिर मैंने पूछा आमिर भाई आमिर जी जी कैंसिल करें कैंसिल अगला जो राउंड है ईगल आए है आपने बताना है बॉल कौन सी ठीक है दिखाओ भाई हाँ जी इमाद पहले इमाद सी रजाक भाई आपने दबाए चैलेंज करने सी को ईगो चैलेंज करना है हाँ जी करना है तो बताएं जल्दी बॉल देखें ए ए हाँ राणा भाई बॉल तो बी वाला ऊपर है मैं नहीं चैलेंज कर रहा सी होगा ए और सी के दरमियान मुकाबला दिखाइए बेटा सी लगा सी इज द राइट आंसर इमाद वसीम प्लस 10 अगली दिखाओ बेटा दिस इज टफ हाँ तो कैलेस की तरफ रही है ऐसा लग रहा है हाँ जी बी बी रजी भाई चैलेंज हाँ जी ए सारे माइनस करवाई जा रहे दिखाओ बेटा बी इज द राइट आंसर इमाद वसीम प्लस 10 रजाक भाई इतना खर्चा किया हुआ है आपने इतना महंगा सूट पहना हुआ क्यों कर रहे हो आप ये हरकत मत बताओ बता आप अगला राउंड क्या है अगला राउंड है बुलझाए खाकी आएंगे आपने बजर दबा के बजाना दिखाओ बेटा स्पाइडरमैन को चैलेंज कर रहा है लड़का नहीं भाईजान दिखाओ स्पाइडरमैन इज द राइट आंसर वेरी वेल डन अगला कहां का निदाडार निदाडार चैलेंज निदाडार दिखाओ बेटा नहीं नहीं क्या दिखाओ बेटा द कैप्टन निदाडार रजाक भाई ये भी ऑलराउंडर है कैसा रेट करते हैं निदाडार को आप पाकिस्तान की स्पिनर है ये स्पिनर है ऑलराउंडर तो है ना भाई स्पिनर का मेरा कोई काम नहीं कोई काम नहीं बात ही नहीं करते स्पिनर से पूछ ठीक मगर प्लेयर तो अच्छी है ना यार हां प्लेयर अच्छी नेक्स्ट राउंड है स्विच हिट दो तस्वीरें मिक्स हुई हुई हैं आपने दोनों को अलग-अलग पहचानना है दिखाओ भाई हां जी आमिर राशिद खान और हां भैया मिक्स तो अच्छा लड़का अच्छा लग रहा है जो भी है अब ये सोच रहा क्यों बेल दी बोलना नहीं कोई राशिद खान 10 सेकंड्स और 10, 9, 8, 7 राशिद खान है और 5, 4 आई डोंट नो 3, 2, 1 कोई ले रहे नहीं कोई ले रहे अलग अलग करो बेटा राशिद एंड फारूकी माइनस 10 है भाई है तो है अगला दिखाओ ये फारूकी की शक्ल नहीं है भाई ये क्या है किसने दबाया माइनस ही माइनस सही ये तो रचिन है भाई रचिन रचिन और दूसरा मुझे पाकिस्तानी किट पाई है किट क्यों पाकिस्तानी पहनाई है इसको यार वो ऐसी बगैर कपड़ों में घूम रहा था किसी ने अंदर ना ना ये गलत बात है ये गलत बात ये गलत यार आमिर भाई आपको हर चीज पर एतराज है यार हो गया माइनस चले नहीं नहीं रचिन तो है ना 5 तो दो ना यार नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है पूरा बताना है रचिन और जडेजा कर दो यार रचिन और जडेजा दिखाओ बेटा जडेजा रचिन प्लस 10 वेल डन अच्छा भाई अच्छा भाई ठीक है अगला सेगमेंट है इसके अंदर क्या होगा फ्री हिट इसका नाम है फ्री हिट आप एक नंबर सिलेक्ट करना है उस नंबर को सिलेक्ट करने के बाद जो उसमें चीज होगी उस तक अच्छा ये नई चीज आई है नई चीज आई देखो सीनियर्स को पहले चांस देना चाहिए रजाक पहले खेलेंगे रजाक भाई रजाक भाई दसो थ्री क्या करना है इसके अंदर मुझे पहले बताओ 10 सेकंड के अंदर आपने नेम एज मैनी फील्डिंग पोजीशन एज यू कैन 10 सेकंड में 10 सेकंड में मिडॉन मिड ऑफ स्क्वायर लेग शॉर्ट स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर कवर लेग फाइन लेग थर्ड मैन मिड विकेट पूरी नहीं हुई हाँ जी पूरी नहीं हुई माइनस 10 अच्छा कितनी हुई सॉरी 8 हुए 8 हुए 80 पॉइंट ठीक है 80 पॉइंट मिल गए रजाक भाई को जी सेलेक्ट करें आप तीनों में चेंज हो चुके हैं तीनों वन हाँ जी नेम एज मैनी किचन ऑब्जेक्ट एज यू कैन 8 knife हाँ cup oven freezer बस हो गया 40 points okay that's good
I don't mind. Two. Two बचा है आपके पास. सबसे easy हो गई. दिखाओ two. Name as many left-handed cricketers as you can. David Warner, Travis Head, Michael Hussey, Gilchrist, Mohammad Amir, Imad Wasim, Quinton de Kock, Rabada. 3-2-1. Fakhar Imam. 8. 80 points to Imad Wasim. Well done, bhai. Well done. Sangakkara, Jay Surya, Saeed Anwar, Ahmed Chahal. Mere pe aata, aise batata. Khawateen Hazar, Az Bakht, main chhore se break kar lijiye. Wapis aaiye, harna mana kahin nahi jayega. वेलकम बैक टू आर्ना मनाए प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय दिलेमा एंड सनसिल्क. वक्त आ चुका है कि आज के विनर को तलाश किया जाए. कौन है आज का विनर? इमाद भाई होंगे. इमाद इमाद वसीम 130 पॉइंट्स. 80 पॉइंट लेके आ रहा ना. आमिर का स्कोर पता है? आमिर और अजाक भाई का. आमिर का टोटल स्कोर दिखाओ पहले. 990 895 1295. इमाद वसीम बड़ी आउटस्टैंडिंग लीड है. आपने आज आमिर 50 लिए, रजाक भाई माइनस किए उसके 70 थे. सब कुछ हुआ हुआ है ठीक है. बहुत अच्छा चल रहा है. अभी कुछ भी हो सकता है रजाक भाई. मैं ऐसे राउंड लाऊंगा 30 माइनस नहीं करना ठीक है. अच्छा भाई कल का मैच है. 30 माइनस इसके. अभी कल ने सारा हिसाब किताब. मैं शो ना करूं. मैं अभी जाके करूंगा पीछे बैठ के देखना. वक्त आ चुका है कि कल के मैच का थोड़ा डिस्कशन किया जाए. एक ही कॉन्टिनेंट के दो मुल्क, इंग्लैंड वर्सेज नेदरलैंड्स. कल का मैच पाकिस्तान के लिए तो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता. बहरहाल इंग्लैंड के लिए भी रखता है. चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वजह से और उनका रन रेट थोड़ा नीचे. अगर वो दो मैच जीतते हैं तो वो ऊपर आ सकते हैं. दो मैच उनको सिर्फ एक जीतना है कल वाला बस. नहीं मैं इंग्लैंड की जनरल बात कर रहा हूँ. ये नहीं कि वो कर रहा हूँ. अगर इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन करनी है तो दोनों मैच जीतने अच्छे मार्जिन जीत. इंग्लैंड हम आपको कोई मिस नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में. आप कोई मसला नहीं. कोई आपको जज नहीं कर रहा. आप हारो आराम से. कोई टेंशन नहीं ठीक है. कल का जो मैच है इंग्लैंड के लिए एक फेस सेविंग हो सकता है. दोनों मैच बल्कि नहीं फेस सेविंग. नेदरलैंड से तो फेस सेविंग नहीं है. उन्होंने जो करना था वो हो गया उनके साथ. ठीक है तो कल पॉइंट्स गेन करने का एक मौका आपको देता हूँ. कल का जो स्कोर इंग्लैंड का अगर पहले बैटिंग करती है आप गैस कर लेंगे एक रेंज यानी 350 और 360. तो मैं आप लोगों को 50 पॉइंट्स दूंगा जिसकी ठीक हो जाएगी. रजाक भाई आप बताइए. 350 to 360. मुझे ऐसा लग रहा है कल इंग्लैंड जो है 230 से लेकर 240 तक. मैच जो है भाई जान पुणे में. पुणे पुणे में 380 to 90 ग्राउंड में रन सो बनते हैं. लेकिन मुझे लग रहा है कल इंग्लैंड अगर पहले बॉलिंग आ गई तो हैं फिर कोई मसला नहीं. पहले बैटिंग की बात हो. अब अगर कोई क्लैरिटी तो अभी भी नहीं आई है. सेमीफाइनल कौन खेलेगा? चौथी टीम. आप लोगों को लगता है कोई क्लियर टीम है अभी? नहीं है ना कोई क्लियर टीम. 9 तारीख के बाद पता चलेगा. अच्छा फाइनल प्रेडिक्शंस. नेदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड. योर कॉल. इंग्लैंड. इंग्लैंड. रजी भाई. आमिर भाई. बहुत मुश्किल है बट इंग्लैंड. इतना बुरा वक्त आ चुका है इंग्लैंड में. ठीक है मैं नेदरलैंड बोल रहा हूँ. मैं 50 पॉइंट मिलेंगे मुझे अगर मैं जीत गया. फिर मैं बांटूंगा अगर मेरा मौका हुआ. ठीक है खवातीन हजरात आज से रोज एक करनी है. अपने हाथ खड़े कर. अलमिया श्रीलंका वर्सेज न्यूजीलैंड होने वाला है. आप जानते हैं ये बात. आपके सामने कुछ ढकी छुपी नहीं है हमारी हालत. आपने उस दिन बारिश करवानी है. छोटी सी बात है. हम अपनी मेहनत कर चुके. इतना ही था हमारा बस. वो कार्ड रख के दुआ करें ना हाथ में. जल्दी रजाक भाई बस दुआ करें. बस बारिश होनी चाहिए खवातीन साथ. और कोई उम्मीद नहीं है. बता रहा हूँ मैं आपको. श्रीलंका की कोई ऐसी खास चल नहीं रही है. सब बोले आमीन. कल मिलेंगे दोबारा. हार ना मनाए. मैं अपना ख्याल रखिए. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज़.